नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष किया धरना और प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका और नाराजगी व्यक्त की। किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। लघु सचिवालय में किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। किसानों की मांग है कि 2017 और 18 का बकाया बीमा क्लेम शीघ्र दिया जाए, वहीं बीमा पॉलिसी का भी सरलीकरण किया जाए, पराली जलने वाले किसान पर दर्ज मामले भी रद्द किए जाएं। पलपल सिरसा से मर्सिंह जाने की विशेष रिपोर्ट। सिरसा के रघु सचिवालय में किसानों का धरना आजकल तीसरे दिन भी जारी है। किसानों ने आज रघु सचिवालय के समक्ष सरकार का पुतला फूंका और धरना दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि अब जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई सरकारी अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। मुख्य मुद्दा हमारा है कि आवश्यकता अनुसार जो खड़े टूटे हुए उनको आवश्यकता अनुसार हर साल टाइम टू टाइम ठीक करवाया जाए, आवश्यकता अनुसार उनको पैसा दिया जाए खड़ों को और उनकी सरकार मरम्मत की जाए। सरकार ने 20 साल की डील लगा रखी है, 20 साल समय अवधि और 20 साल की समय अवधि खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार से जिस खाड़ को जिस माइनर को पैसे की जरूरत हो, प्रशासन का फर्ज बनता है उसको ठीक करवाए ताकि पानी उपलब्ध मात्रा में किसानों को मिल सके, क्योंकि पानी खेती के लिए सबसे बड़ी चीज पानी है। और सरकार फालतू चीजों में पैसा लगाती है, कहीं बूथों पर कहीं और योजनाएं ऐसी लाती है जिसका करोड़ों रुपए बजट होता है, जबकि खाड़ का कोई बजट नहीं है, न किसी माइनर का कोई बजट है। माइनर अगर टूटता है तो किसान की खेती बर्बाद हो जाती है और आगे जिसके पानी नहीं लगता उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। हम चाहते हैं कि सरकार इस योजना में तब्दीली लाए और ये अपने अंडर में लेके खाड़ों को इनकी मरम्मत की व्यवस्था और इसकी रख रखाव की व्यवस्था सरकार अपने हाथों में ले। हमारे धरने का तीसरा दिन है। आज हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का पुतला फूंका है। हमारी मांगे ये है कि डायरेक्ट जोन को, डायरेक्ट जोन किसको बोला जाता है, डायरेक्ट जोन जहाँ वाटर लेवल नीचे है उसको डायरेक्ट जोन बोला जाता है। डायरेक्ट जोन में एलनाबाद को डाल रखा है, जबकि माधो सिंह में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 250 फुट से नीचे गहरा पानी है, जहाँ नीचे गहरा पानी है वहाँ तो कोई डायरेक्ट जोन नहीं है। अब चिलकनी लो, चिलकनी में ऊपर पानी है, चिलकनी पहाड़ का भुटवाड़ा कच्ची का बास नीमला, मैं बहुत से गाँव ऐसे गिना सकता हूँ जो वाटर लेवल में आते ही नहीं। लेकिन हमारी मांग ये है कि डायरेक्ट जोन को तोड़ा जाए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पराली के मुद्दे पर किसान को परेशान ना किया जाए। अब जिस सरसा में 300 केस बना दिए किसानों पर, अरे किस बात के बना दिए मेरा भैया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 3000 रुपए प्रति किले के हिसाब से आप किसान को मदद करो, पैसे दो, ना तो पैसे दिए और मशीनरी थी नहीं, अगर कोई गई तो वो भी रसूखदार आदमियों को मिली। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमारी सारी की सारी मांगे उचित हैं और सारी की सारी मांगों पर गौर किया जाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई अधिकारी या बड़ा अधिकारी, डीसी साहब या मंत्री कोई भी अगर बातचीत करना चाहे तो हम जो है बातचीत करने को तैयार है, लेकिन मिट्टी गोली नहीं लेंगे। सरकार खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।